प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम सभी आप सबका वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें समय दिया कि हम फिर से रोज की तरह हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदावन कि आपने अवसर फिर से हमें दिया कि प्रभु जी हम मिलकर आपको धन्यवाद दे सके, आपके नाम की महिमा कर सके। पिता सच में खुदावन देश्वर राजा आप महान पिता हैं। आप हमें बार बार ये समय देते हैं, अवसर देते हैं पिता कि हम आपके वचन में रहकर पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके योग्य बना सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने दिन भर हमें सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह के तले, अपने अनुग्रहकारी हाथों के तले प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावन आज की डेली डिवोशन में प्रभु जी हम सभी भाई बहन खुदावन एक चित एक मन होकर खुदावन आपके वचन को सीख सके। और जबकि पिता परमेश्वर आप रोज हमें वचन से सिखाते हैं पिता, प्रभु जी अपनी सामर्थ्य में भरिए ताकि पिता वचन पर हम चल सके, हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को अपने जीवन में चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्था को सारी चीज़ों को खुदावन ईश्वर आज आपके कंट्रोल में देते हैं पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए वचन में जाने से पहले हम अपने हृदयों को तैयार करें और प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं और ऊंचे स्वर में प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि खुदा ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि आज रात्रि में डेली डिवोशन में हम सब भाई बहन मिल सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ वो बात यह है कि हमारा जो जीवन चलता है बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, परमेश्वर की संगति में चल रहा है, परमेश्वर के कामों में बढ़ रहा है, परमेश्वर की बातों में हम सब जुड़े हुए हैं और एक साथ हमारा जीवन बड़ा अच्छा संगति में चल रहा है। लेकिन या तो हमारे घमंड के कारण या हमारे बुरी बातों के कारण से या हमारे ऐसे किसी काम के द्वारा जो परमेश्वर के विरोध में हम कर देते हैं, किसी व्यभिचार में फंसकर, किसी गलती में फंसकर जब हम ऐसा कर बैठते हैं मेरे प्रियो, तो जो हमारा जीवन है, जो अच्छा जीवन चल रहा होता है, उसमें क्या हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाती है, सब खराब हो जाता है। और एक भी पाप के, जब एक ही पाप कर दिया गया उसके बाद तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है और सब गड़बड़ हो जाती है मेरे प्रियो। और खुदा का कलाम कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 33वां पद क्या कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की, प्रभु आशीष है। और नौमी सिस्टर जय मसीह की। और लिखा है वचन में, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत और सुनाया, हालेलुया। और कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। खमीर को हम जानते हैं, जो लोग तंदूर की रोटी खाने वाले हैं या जो कुछ चीजों को कुछ चीजों में जब खमीर को मिलाया जाता है तो उसमें वो खटास पैदा कर देता है, उसको उसके अंदर एक अजीब सी एक चीज हो जाती है जो जैसा खमीर का मतलब है कि वो उसमें जो खट्टापन होता है वो उसके अंदर आ जाता है, हालेलुया। और कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। अजीत भाई, प्रभु आशीष दे। रिंकल सिस्टर, जय मसीह की।
प्रभु आशीष दे। और जिस किसी और जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खबीर हो गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं, और जैसे मैंने शुरू किया कि परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की सेविकाई में हम बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होते हैं, खुदा के बहुत निकट होते हैं, खुदा की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, लगातार वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर की संगति में हम बने रहते हैं। लेकिन क्या होता है अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में, प्रचार करने वाले लोगों के जीवन में, प्रभु के देश दास और दासियों के जीवन में जब कोई जरा सा गुनाह हो जाता है तो धीरे 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 वो सारी मिनिस्ट्री को, सारे कामों को, सारी बातों को खत्म करता जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जैसे खमीर, खमीर का खट्टापन जो होता है वो थोड़ा सा अगर मिल जाए तो क्या होता है, उस चीज को वो पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लेता है, पूरा खमीर कर देता है उसको। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मेरा और आपका जीवन, मेरी और आपके जीवन में जब सेवकाई चल रही होती है और सेवकाई होती है बहुत अच्छी तरीके से चलती है, और जब हम कोई गुनाह कर बैठते हैं, कोई पाप कर बैठते हैं, कोई व्यभिचार कर बैठते हैं, किसी के विरुद्ध कोई गलत काम कर देते हैं, तो मेरे प्रियो हमारे मसीही जीवन को, हमारे सेवकाई जीवन को वो दाग बन जाता है और वो बिल्कुल उसको समाप्त कर देता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 21 पद कहता है, वो खमीर के समान है, हालेलुया, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे मिलाया, होते होते सब क्या हो गया, सब आटा खमीर हो गया। मेरे प्रियो, ऐसे ही मेरी और आपकी जो मसीही सेवा है, मसीही जीवन है, जब हम या तो हम विचार से कोई पाप कर बैठते हैं, कोई हम आंख से पाप कर बैठते हैं, मुंह से किसी के साथ विचार, मुंह से किसी के साथ गलत बातें बोल देते हैं, तो हमारा जो मसीही जीवन होता है, जो हमारा जो एक पवित्र जीवन चल रहा होता है, वो जीवन क्या होता है, धीरे 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 उसमें क्या होता है, घुन लगना शुरू हो जाता है, वो बर्बाद होने लगता है। थोड़ा सा खमीर जो है गुंधे हुए आटे को, पूरे आटे को, एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि पूरे आटे को क्या कर देता है, वो खमीर कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो, हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के सेवक सेविका हैं, जो हम प्रचार करते हैं, बड़े अच्छे हमें लगता है कि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, हमें लगता नहीं जब होता है ऐसा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, लोगों को चंगाई मिल रही है, जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों के चरित्र के लिए, लोगों के जीवन के लिए, उनके जीवन पलटने लगते हैं, लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, लोगों में मेल लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, या जो भी होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन के उसका जवाब हाँ और आमीन के साथ दे देता है। और हम जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु का प्रचार करने वाले लोग हैं, धीरे धीरे घमंड आने लगता है, अरे मेरी दुआ से वो चंगा हो गया, मेरी दुआ से उनकी लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, मेरी प्रार्थना के द्वारा उनका चरित्र बदल गया, मेरे द्वारा, मेरी प्रार्थना किए जाने से फाइनेंशियली प्रभु ने उनको मजबूत कर दिया। नो 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 मेरे प्रियो, पहला कुरंथियों और उसका 5 अध्याय और उसका 6 और 7 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड क्या कहता है, सिस्टर जयमसी की प्रभु आशीष दे, लिखा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके जीवन में जब घमंड आ जाता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, या मेरे और आपके अंदर ये बात आ जाती है, अरे मैंने प्रार्थना की, मेरे द्वारा चंगाई मिली, जिसके द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई किसी व्यक्ति की कोई सामर्थ्य नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई औकात नहीं कि कोई किसी को चंगा कर सके। ये तो प्रभु यीशु मसीह की दया है, प्रभु यीशु मसीह की करुणा है,
हमारी वो प्रार्थनाओं को सुनता है और हाँ और आमीन के साथ जवाब देता है और लोग चंगे होते हैं, लोगों को जीवन मिलता है, लोगों के जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन में कौन करने वाला है? पर प्रभु यीशु मसीह है, कोई और नहीं है मेरे प्रियो। कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा प्रभु का सेवक सेविका हो, ये ना सोचे कि मेरे करने से हुआ है, मेरी प्रार्थना से हुआ है। मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की महिमा को नहीं चुरा सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर मेरे अंदर और आपके अंदर अगर ये घमंड आ गया, अरे मैंने प्रार्थना करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे द्वारा ऐसा हो गया, हालेलुया, भूल जाइए तो समझ लीजिए कि आप विनाश की ओर जा रहे हैं। हालेलुया, आप विनाश की ओर जा रहे हैं। क्योंकि मेरा और आपका प्रभु है, परमेश्वर है, जो सब कुछ कर सकता है। जब मैं और आप उसके साथ विनती करते हैं, उसके सामने विनती निवेदन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो उसका जवाब देता है। हालेलुया, नीति वचन उसका 4:18 कहता है, नीति वचन 4:18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। मेरे प्रियो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चाहे वो दिन में रखी हो, रात में तो वो चमकती है, लेकिन दिन में भी उनका प्रकाश, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बड़ा तेज होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजें चमक लेने लगती हैं। इसी प्रकार जो लोग प्रभु की सेवकाई, प्रभु का सुसमाचार प्रचार, प्रभु का की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, प्रभु की योजना के अनुसार चलते हैं, और दिखाई देने लगता है हमको ये भाई ये बहन प्रभु के सच्चा सेवक है, इसके जीवन से ये जहां से निकल जाता है लोगों के जीवन बदल जाते हैं, ये जिस घर में जाता है ये प्रभु की बातें बताता है और लोगों के चरित्र बदल जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, लिखा है धर्मियों की चाल उस चमकती ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर में भी चमकता है। याद कीजिए वो पत्रस, जो उतावला पत्रस था, प्रभु यीशु मसीह कुछ कहता था और वो कुछ भी करने के लिए कुछ और करने लगता था। जब प्रभु सेवकाई के लिए जाने लगा तो उसके सामने जब रुकावट आई कि प्रभु ऐसा ना हो वो तुझे ये तुझसे ज्यादा तुझे मरना ना पड़े, मैं मर जाऊं, ऐसे उतावली उतावली बातें करता था कौन? पत्रस। लेकिन मेरे प्रियो, वही पत्रस आने वाले समय में प्रभु का एक बड़ा सेवक हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, जब उसने प्रचार किया 120 लोग पहले बदल गए, प्रचार किया 3000 लोग बदल गए। हालेलुया मेरे प्रियो, ये है मसीही जीवन, ये है हमारा। आप नम्रता दीनता के साथ प्रभु की सेवा कीजिए। हालेलुया, मत कहिए अगर एक भी व्यक्ति का जीवन, 10 लोगों में से एक भी व्यक्ति का जीवन बदलता है, आप सफल हो गए, मैं सफल हो गया। हालेलुया, मेरे और आपके जीवन से लोग पहचान सके कि ये प्रभु का दास है, प्रभु की दासी है। अरे ये लोग तो प्रभु के सेवक लोग हैं, अरे ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इनके द्वारा तो बड़ी प्रार्थनाएं होती हैं, इनके द्वारा तो बड़े जीवन लोगों के बदल रहे हैं, ऐसा आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा पत्रस 2:18, दूसरा पत्रस 3:18। प्रेज द लॉर्ड। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। क्या कह रहा है पौलुस साहब? कह रहे हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह। जब तक यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं होगा मेरे प्रियो, तब तक मैं और आप नहीं बढ़ सकते। मेरे और आपके जीवन में हर्डल्स आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन जब मैं और आप प्रभु के सेवकाई में, प्रभु के
प्रभु के अनुग्रह में चलेंगे, हालेलुया, और प्रभु के प्रचार में मुझे और आपको बढ़ना है। क्या पहचान आपकी? क्या आपकी ऐसी पहचान है कि ये गंदी गाली देकर बात करता है? क्या ये आपकी पहचान ये है कि ये तो बुरा व्यक्ति है? क्या आपकी और मेरी ये पहचान है कि ये तो व्यभिचारी है? हालेलुया। और क्या मेरी और आपकी पहचान है, भाई इसको अपने घर में मत लाना, ये व्यक्ति या ये बहन ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है। हालेलुया। वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ो। हालेलुया। और मेरे प्रिय खुदा कहता है उसी की महिमा भी, महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा लगातार होती रहे आपके और मेरे जीवन से। उसका अनुग्रह जब मेरे और आपके जीवन पे बढ़ेगा मेरे प्रियो, तो मैं और आप खुल के प्रभु का प्रचार करेंगे, खुल के प्रभु की सेवा करेंगे और कहीं भी पीछे नहीं हटे। कभी ये मत सोचिए कि मेरे द्वारा ये काम प्रभु का हो रहा है, अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। मत सोचिए ये बात। ये घमंड अगर आपके अंदर आ गया, अरे मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, अरे मैं जो महिमा करता हूँ चर्च के अंदर खड़े होकर, वो कोई नहीं कर सकता। अगर ये घमंड मेरे और आपके अंदर आ गया, समझ लीजिए आपके अंदर पाप का, घमंड का खमीर घुलना शुरू हो गया आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में ये आ गया कि मैं अगर साधना बजाऊंगा तो चर्च में प्रभु की सेवा ना हो सकेगी, अगर मैं कीबोर्ड चर्च में नहीं बजाऊंगा तो रविवार की आराधना नहीं हो पाएगी, तो भूल जाइए मेरे प्रियो। खुदावन कहता है मेरे में वो सामर्थ है। शैतान ने उसने ये कहा वो चाहे तो अब्राहम के लिए क्या बना था, इन पत्थरों से औलाद बना सकता था। प्रेज द लॉर्ड। उसके कहने वर से मनुष्य का निर्माण हो जाता, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, खुदा चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में बढ़े, उसकी मर्जी के मुताबिक चले, उसकी योजना के। ये मत सोचिए कि अगर आपको आपकी बहुत सुंदर आवाज है कि अरे मैं ही गा सकता हूँ, मैं ही गा सकती हूँ, वरना चर्च में महिमा नहीं हो सकती। बहुत से लोगों को ये घमंड है इस बात का, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं चर्च में गाऊंगा या मैं किसी कन्वेंशन में गाऊंगा और मैं जैसा बजाऊंगा, ऐसा कोई नहीं बजा सकता, तो भूल जाइए मेरे प्रियो। ये घमंड का खमीर आपके जीवन की बर्बादी के लिए फैलना शुरू हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा अपने लोगों का इंतजाम करता है। खुदा की एक सेवा करने के लिए बहुत से लोग खड़े हैं, चुनाव परमेश्वर करता है। हालेलुया। जो लोग सच्चाई से उसकी सेवा करते हैं, अपने नाम के लिए मत करिए। किसी चर्च सेवा में अगर आप करते हैं तो मत करिए अपने नाम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए काम करना है। हालेलुया। प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, उसके अनुग्रह में मुझे और आपको बढ़ना है, किसी के उसमें नहीं बढ़ना, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, फिलिपियों की पुस्तक उसका एक अध्याय और 9 पद कहता है, और मैं ये प्रार्थना करता हूं, कौन? जो पौलुस है वो ये कह रहे हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, यानी मेरा और आपका प्रेम और ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। मेरा ज्ञान किस में बढ़े? प्रभु में बढ़े। मेरा प्रेम प्रभु में बढ़े। मेरे सब प्रकार का जो विवेक है, कभी कभी हमारा विवेक बिगड़ जाता है, मेरे प्रिय कहता सभी प्रकार के विवेक सहित मैं और परमेश्वर में बढ़ता जाऊं। क्या कभी आपने प्रार्थना करी कि प्रभु मैं तो बजा नहीं सकता, मैं तो गा नहीं सकता, लेकिन मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं? प्रभु आपको तैयार करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बजाना भी सिखाएगा, गाना भी सिखाएगा। हालेलुया। आपको सुंदर आवाज भी देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा जब आपको आवाज दे रहा है तो आपको उसकी महिमा के लिए खर्च करना है। बड़े बड़े सिंगर्स को हमने देखा है, बड़ी आवाज दी है प्रभु ने, बड़ी सेवकाई, बड़ा नाम दिया है, लेकिन फिर भी वो प्रभु की महिमा नहीं करते, प्रभु की बातें नहीं करते। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु का प्रेम है, आपके जीवन में प्रभु की संगति है, तो आप बदलेंगे,
आपको इन चीजों की परवाह ही नहीं होगी कि मेरा नाम नहीं हो रहा। अगर खुदा, मैं बहुत अच्छा नहीं गा सकता, लेकिन मैं प्रोत्साहित करता हूँ सब बच्चों को और लोगों को, नौजवानों को, कि देखो आपको प्रभु ने बहुत सुंदर आवाज दी है, बहुत सुंदर आवाज दी है, आप उसकी महिमा कीजिए, बहुत अच्छा गाइए, बहुत अच्छा। अगर आपको बजाना आता है तो प्रभु के लिए बजाइए, प्रभु आपको शिरोमणि करेगा। हालेलुया, प्रभु आपको शिरोमणि करेगा मेरे प्रियो। और कहीं आपके मन में ये घमंड आ गया, मेरी गला तो बहुत सुंदर है, मेरे प्रियो वो आपकी आवाज उड़ा देगा। हालेलुया, वो साज जो आप बजाते हैं वो टूट जाएंगे, आप नहीं बजा पाएंगे। हालेलुया, ये घमंड मुझे और आपको क्या करता है, बर्बाद करता है। हालेलुया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय कहता है, 13वां अध्याय उसका 24 पद कहता है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अगर आपके मन में प्रभु की प्रीति, अच्छा प्रेम है, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु की संगति में चलना है, प्रभु के साथ रहना, प्रेज द लॉर्ड। अरुणा सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बहन आपको। मेरे प्रियो, ध्यान रखना कि प्रभु ने जो कुछ आपको दिया है उस टैलेंट को किसी और की महिमा में नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा में लगाइए। प्रेज द लॉर्ड, किसी की गुणानुवाद के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर का गुणगान करिए, गुणानुवाद कीजिए। हालेलुया, अगर प्रभु ने आपको हम सबको दिया है कुछ ना कुछ टैलेंट प्रभु ने, ये नहीं कि बहुत कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा बजाता है। हालेलुया, फिलिपियों के पुस्तक उसका 1:6, फिलिपियों 1:6 क्या कहता है, और मुझे इस बात का भरोसा है, पौलुस कह रहे हैं मुझे इस बात का विश्वास है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। जी हाँ, कौन आरंभ कर रहा है आपके अंदर, मेरे अंदर? प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, और मैं और आप, वही प्रभु ही हमें करने वाला है। और प्रभु का जब पुनरागमन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा, तो मेरे प्रियो हम मजबूत पाए जाएंगे, विश्वास में पक्के पाए जाएंगे, कमजोर नहीं होंगे। हालेलुया, पहला थिस्सलुनीकियों का 5:23-24 कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करेगा, पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह और सारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखे। हालेलुया, प्रभु के आगमन तक मुझे और आपको सुरक्षित रहना है, मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को, मेरी देह को हम व्यभिचार से खराब ना कर दें, उसको हम अपनी आत्मा को ना मार दें, सच्चाई के साथ चले, ईमानदारी के साथ चले, और प्राण भी प्रभु की महिमा करने वाला हो, तभी मैं और आप निर्दोष होके जी सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, फिलिपियों 2:13-15 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया, परमेश्वर ही है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा से अनुसार काम करें, उसकी अच्छी इच्छा, तुम्हारी जो सुइच्छा ना, तुम्हारी मन है कि तुम प्रभु की सेवा करो, तुम प्रभु के अनुसार चलो, ये तुम्हारी सुइच्छा है और ये परमेश्वर की योजना में तुम्हारे पूरे होने पाएगी। हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 12-13 कहता है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है पर अभी तुम उसे सह नहीं सकते। मेरा और आपका यीशु मसीह जानता है कि मैं और आप कौन सी बातें सह सकते हैं और कौन सी बातें नहीं सह सकते, वो जानता है। जैसे हम अपने बच्चों के विषय में जानते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी उतनी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं, उतनी बात हम उनसे कहते हैं। हालेलुया, ऐसे नहीं हम सब बातें उनके ऊपर थोपते चले जाते। प्रेज द लॉर्ड, अय्यूब उसका 17:9 कहता है,
तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, चाहे उनके सामने कितनी बाधाएं आए, चाहे उनके सामने कितनी परेशानियां आए। अय्यूब के बारे में हम जानते हैं, अय्यूब के सामने कितनी परेशानी आई, कितनी तकलीफें आई, उसका घर बर्बाद हो गया, उसके बच्चे मर गए, उसका सारी संपत्ति चली गई, उसके नौकर मर गए, सब कुछ चले गए, पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया, उसके शरीर में बड़े बड़े घाव आ गए, लेकिन वो प्रभु के मार्ग को पकड़े रहा। उसकी स्त्री ने कहा, अरे अब तो तू परमेश्वर को बक, उसको बुरा बुला के। उसने कहा, नहीं, जिस परमेश्वर से हम सुख ले सकते हैं तो क्या मुझसे दुख नहीं ले सकते। हालेलुया। और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ, और जो ईमानदार होंगे, अच्छे होंगे, ईमान के पक्के होंगे, वो लोग सामर्थ पे सामर्थ, सामर्थ पे सामर्थ पाते जाएंगे। हम कहते हैं ना, अरे ये अमुक व्यक्ति, ये तो कुछ भी नहीं था, आज देखो कितनी सामर्थ के साथ प्रार्थना करता है, ये तो वचन नहीं पढ़ सकता था, ये प्रार्थना नहीं कर सकता था, ये कुछ नहीं कर सकता था, प्रभु आज बड़ी सामर्थ से काम कर रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ पे सामर्थ, सामर्थ पे सामर्थ जब देता है कि मैं और आप ईमानदारी से काम करते हैं। हालेलुया। अंतिम पद में जाते हैं, और अंतिम पद कहता है जॉन 15:2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता, और जो फलती है उसको छांटता, और ताकि फल मिले। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह हमें काटता और छांटता है। हमने देखा ना अपने घर के फलों, पेड़ों को जब हम काटते हैं छांटते हैं तो फ्रूट बहुत अच्छी तरीके से आता, बहुत फलता है पेड़। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें काटता और छांटता है ताकि हमारा जीवन स्थिर बन जाए, अच्छा जीवन बने, और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। मत सोचिए अगर कोई बीमारी आई है, मत सोचिए कि कोई नौकरी की परेशानी आई है, मत सोचिए कोई ऐसा टकराव है। क्यों? कारण यह है कि प्रभु की सामर्थ पे सामर्थ आपको दे रहा है, और वो आपको काट रहा और छांट रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। खुदावन हमें स्वस्थ और अच्छा रखा तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पापियों पर दया की इसके लिए धन्यवाद, पूरी रीति से प्रभु अब तक संभाला इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी तेरे पुनरागमन की अब तैयारी में लगे हुए, न जाने किस घड़ी और कौन से अवसर पर तू आने जा रहा प्रभु, तू सहायता कर, मदद कर, हमें अनुग्रह रख और अपने मजबूत रख, ताकि तेरी सेवा में आगे बढ़ते हो, तेरे साथ संगति करते रहे। पिताजी के सम्मुख शिष्य के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को फ्राइडे है, कल शाम को 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा प्रचार के लिए आएंगे, और डेली डिवोशन में हम लोग फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और 8 से 9 रेवरेंड कटिंग, रजनीश कटिंग, जो कि रात को 8 से 9 आएंगे प्रभु के वचन को लेकर के, तो आप उनके साथ भी जुड़िए। हमारे तीनों स्लॉट, 2 स्लॉट और रात को डेली डिवोशन में फिर मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।